अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको ये पार्टी मेकअप लुक करके दिखाने वाली हूँ जिसमें हम बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और एक प्यारी सी अमेजिंग लुक क्रिएट करेंगे। चलो तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं ये बेस। इसको आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है, आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं, मैं इसको फिंगर की मदद से कर रही हूँ। थोड़ा सा ये नेक पे भी लगा लें, नीचे की तरफ चेन पे। बेस हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है और इसके बाद मैं इसको हल्का सा फेस पाउडर से सेट कर लूँगी जितनी हमें फेस पाउडर की ज़रूरत होगी। ये मैं हल्का सा आइज़ के नीचे लगा रही हूँ और ये हल्का सा जितनी मतलब चेहरे को ज़रूरत होगी ना उतना ये हम फेस पाउडर लगा रहे हैं। इससे ये हो जाता है कि आपकी बेस काफ़ी देर तक स्टे करती है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। और इसके बाद मैं अप्लाई करने लगी हूँ ब्लशो। सॉरी, इसके बाद मैं कंटूरिंग करूँगी थोड़ी सी फेस की अपनी। थोड़ी सी ये नीचे वाला एरिया चिक बोन, ये मैं एक छोटा सा ब्रश लेके ये थोड़ी सी मैं नोज की कंटूरिंग कर रही हूँ। ये मैं अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा नीट कर रही हूँ ब्रश की मदद से। ये आईब्रोज मैंने नीट कर ली अपनी और अब मैं ब्लश ऑन अप्लाई करने लगी हूँ।
ये ब्लश और मैंने अप्लाई कर रहा लिया है और इसके बाद मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए हम ये मैट लिपस्टिक इस्तेमाल करेंगे। ये लिपस्टिक हमारी अप्लाई हो गई है। अब मैं आईलैशेस को थोड़ा सा कर्ल करने लगी हूँ और मस्कारा। अब मैं लाइनर अप्लाई करने लगी हूँ। सॉरी, लाइनर से पहले ना हम हल्का सा ना, ये मैंने हल्का सा पिंकिश शेड लिया और अपनी आईलैशेस के ऊपर, मतलब आईज के ऊपर अप्लाई कर लिया। और इसके बाद मैं आई बोन्स वाले एरिया को हाईलाइट करूंगी। मैंने अपने आई बोन्स वाले एरिया को और हाईलाइट कर लिया हूँ और यही कलर जो मैंने आईज के ऊपर अप्लाई किया पिंकिश, यही मैं लेके ना थोड़ा सा आईज के नीचे, यानी कि इधर बिल्कुल हल्का सा। ये आप मेरी फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।